नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, हम इस समय मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम व्यापारी रामोतार गुप्ता से बात करने के लिए पहुंचे हैं कि आज मंडी में सरसों की कितनी आवक है, क्या भाव किसानों को सरसों के मिल पा रहे हैं। जी रामोतार जी, बताइए आज सरसों की कितनी आवक है, कल कितनी थी, क्या कट्टे आए? कल आमद थी हमारे मंडी में 15 से 20 हजार कट्टे, और आज आमद है जो हमारे मलगा लो 15 से 17 हजार कट्टे की आमद है। और ये भाव, ये मानो कल तो हमारे भाव थे 5150 रुपए, 5150 का भाव मतलब 42 लाख के भाव थे वो, तो उसका भाव आज उसे जो सरसों है कल लगी 51,500, उसका भाव है आज 5050 से 5050 से 5150। रही बात ये मॉइस्चर का माल है, वो मॉइस्चर का माल तो भाव बिक रहा है 4500 46 47। आगामी सरसों के भाव क्या रहने वाले? आगामी सरसों के भाव तो रहने वाले बाजार चलते हैं, जो अपने जो पूरे इसमें जो बाजार में चलते हैं ना, बाजार चलते हैं विदेशी बाजार में कुछ है। अब विदेशी बाजार टूटते हैं तो यहाँ टूटते हैं बाजार, वहाँ बाजार बढ़ते हैं तो यहाँ बाजार बढ़ते हैं। अब कल 55 थी, कल 55 थी, आज हमारे यहाँ 5050 से 5100 भाव है, 42 लाख का 50 रुपये का मंदा है। आज मंदा क्यों है? मंदा क्या है कि कुछ तो क्या है कि दो तीन कारण होगा इसमें। पहला भाव तो ये, पहली बात तो ये खड़ में पैस टूट गए, खड़ में 20-40 रुपये मंदा है, और तेल जो है तेल में भी 1.5 रुपये का 1.5 किलो का मंदा है, और कुछ तेलों का भी खड़ का भी पड़ता है। दूसरा कारण ये है कि जो विदेशी बाजार को डिपेंड है हमारे जो व्यापार है, जो विदेशी बाजार बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ जाते हैं, वहाँ घटते नहीं है। अभी कितनी आवक आज है मंडी में? आज मंडी में आवक लगा लो 15 से 17 हजार कट्टे की आवक है। कहाँ कहाँ से सरसों आ रही है? आस पास से सरसों आती है, यहाँ अपने मालखेड़ा है, पृथ्वीपुरा है, रामगढ़ है, आस पास की सरसों आती है। कहाँ कौन कौन सी मीलों में जा रही है, कहाँ जा रहा है? सारी ये जो माल जो हमारे जो मंडी में आ रहा है सारा माल कैरी, आधा थोड़ा बहुत माल तो स्टॉक में जा रहा है, व्यापारी स्टॉक में ले रहे हैं, और कुछ आधा माल जा रहा है MIA मीलों में। तो अभी जो सरसों के जगह जगह ढेर लग रहे हैं व्यापारियों के दुकानों के सामने, तो ऐसा नजर आ रहा है कि जगह जगह सरसों है और सरसों की बम्पर आवक हो रही है? आवक नहीं है, वो कारण क्या है कि मंडी भरी भरी इसलिए दिखती है, एक तो होता है ढेर 150 कट्टे का, और एक ढेरी होती है छोटी छोटी, उससे क्या कि मंडी भरी भरी दिखती है, उससे अपन सोचते हैं कि आज आमद ज्यादा है, आमद तो उतनी है, लेकिन क्या छोटी ढेरी और बड़ी ढेरी में फर्क होता है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी आपके कई साल से बढ़िया क्वालिटी है, तेल भी बढ़िया बैठ रहा है, 40-45 तेल बैठ रहा है। अब लाल सरसों है या पीली सरसों भी आती है? ना पीली सरसों तो हमारे 100 में से 1 ढेरी आती है, और लेकिन मतलब ब्लैक की आती है सरसों, लाल। किसानों को भाव अच्छा मिल रहा है? भाव से बढ़िया मिल रहा है किसानों को, ऐसी बात। जी हमारे साथ में व्यापारी रामोतार गुप्ता जी मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया कि लगातार सरसों की आवक मंडी में हो रही है और लगातार किसानों को फायदा भी मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ मंडी के अंदर नमी के सरसों जो है आ रही है, जिसको यहाँ सुखाने का भी कार्य चल रहा है, और उसके बाद में यहाँ जो ये सरसों है, सरसों जो मीलों में जाएगी वहाँ तेल तैयार होता है, तेल तैयार होने के बाद मार्केट में आता है, लोगों के घरों में पहुंचता है, एक अच्छी क्वालिटी का जो तेल है वो लोगों को खाने के अंदर मिल रहा है। नितिन शर्मा, अलवर।